फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एक काजल लाइनर का। और आई थिंक बहुत सारी गर्ल्स यूज करती हैं काजल लाइनर, और हम सभी लगाते हैं कभी ना कभी, और कभी ना कभी इन द सेंस डेली लगाते हैं। मैं तो इतना लाइनर नहीं लगाती, मैं काजल लगाती हूँ, बट मेरे लिए काफी यूजफुल है ये। काफी फिनिश देने के लिए भी ये लाइनर यूज कर सकते हैं, हम सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ मेबलिन के कलोसल काजल लाइनर की, एंड ये ऑल स्किन टाइप है और इसका प्राइस है 420 रुपीज। इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 1.2 ml और शेल्फ लाइफ आपको मिल जाएगी इसकी 2 ईयर्स। 18 में पैक हुआ था ये और 20 में एक्सपायर हो जाएगा। मैंने ये नायका से बाय किया है, आप भी इसको वहां से बाय कर सकते हैं, और वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है, मार्केट में भी ये अवेलेबल है, और काफी जगह ये मिल जाएगा आपको। ऐसी ही पैकिंग में आता है ये, इसके ऊपर पॉलिथिन रैप्ड था, मुझे ये ऐसी ही पैकिंग में रिसीव हुआ था और बबल रैपिंग पे, और सॉरी, आप इससे सिंपली विंग लाइनर ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं इतना नहीं करती हूँ विंग लाइनर ड्रॉ, और मैं लाइनर इतना नहीं लगाती हूँ, बट मैं काजल के नीचे इसको अप्लाई करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ इसका पिगमेंटेशन, और ये बहुत ही ज्यादा टिप इसकी बहुत फाइन है, शायद आप देख पा रहे हो, बहुत ज्यादा फाइन है इसकी टिप। बहुत ईजीली आप इससे अपना लाइनर ड्रॉ कर सकते हैं, और वन स्वाइप में ये ऐसा है, काफी पिगमेंटेड है, बट ये वाटरप्रूफ नहीं है। 2 या 3 स्वाइप के बाद ऐसा है इसका पिगमेंटेशन, बट ये ब्लैक है, काफी अच्छा है, ये वाटरप्रूफ नहीं है, एंड सभी इससे इजीली अपना लाइनर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए, पतला भी अच्छे से ये ड्रॉ कर सकते हैं। और जो लोगों की आईज काफी सेंसिटिव हैं और जो लोग लेंस लगाते हैं, वो लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। और ऐसी पैकिंग में आता है ये, सभी स्किन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं। एवरी स्किन टाइप के लाइनर जो लोग लगाते हैं और हिल जाता है, कुछ लोग होते हैं बिगनर्स होते हैं, नहीं लाइनर इजीली अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए काफी अच्छा है ये। इसके अंदर और भी रेंज आती है, कलोसल के अलावा भी काफी रेंज आती है लाइनर्स में, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। बट जो लोग इजीली नहीं लगा पाते हैं लाइनर, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्विक ड्राई होता है ये एकदम, और लगाते के साथ ही आपको पिगमेंटेशन काफी अच्छा मिलता है इसका, ब्लैक इन कलर में है, प्रॉपर ब्लैक है ये। 3 या 4 स्वाइप करने ही पड़ते हैं, कभी ना कभी हमें बहुत ज्यादा ही ब्लैक इन कलर में काजल चाहिए होता है, तो उससे भी आप इसको मतलब इससे आप वो अप्लाई कर सकते हैं इजीली। और हर स्किन टाइप के सूट करते हैं, हर स्किन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं। और जैसे मैं इसको लाइनर की तरह यूज नहीं करती हूँ, मैं कभी मेरा काजल वगैरह मैं लगाती हूँ तो उसको फिनिश देने के लिए मैं इसको यहाँ पर ऐसे अप्लाई कर लेती हूँ, और इससे काफी अच्छा टिप हैंडी हो जाता है काफी। मैं सिर्फ कैमरा में देख के लगा रही हूँ उसे, और किसी चीज में नहीं देख करके लगा रही, बट इससे काफी अच्छा फिनिश आ जाता है। एंड एक चीज और, जो लोगों का काजल काफी स्मज करता है, उसको रोकने के लिए भी आप इसको काजल के नीचे अप्लाई कर सकते हैं, और आउटर वी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम कोई और काजल लगा रहे हैं, ब्लू, ब्लैक ब्लू या कोई और ग्रीन, तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं उसके नीचे,
वो भी काफी अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल बटन जरूर दबाइएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सभी के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं रोज वीडियो अपलोड करती हूँ, आप जरूर देखें वो, और मेरी और भी वीडियो जरूर देखें। टिल देन बाय एंड टेक केयर। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।